जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा जी की हेलो। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा, कैसे हो सर? बस बढ़िया, गला वाला बैठ गया आजकल। हेलो सर, आप काम इतना करते हो, आप 16-17-17 घंटे का कॉलिंग करते हो, आप हर बंदे का जवाब गले पे बैठ जाता है, पीछे पीछे बीमार, ज्यादा बात करने से होता है, फिर व्हाट्सएप पे लग जाता हूँ आजकल, इसलिए व्हाट्सएप पे लगाऊ फोन कम भी उठा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पता क्या, लोग भी, मैं पहले भी ये सोचता था मेरा तरफ से भी चौफ आते हो, अब ये आप, पता है, आपका नंबर बंद है, आप कॉलिंग का जवाब देते हो, क्योंकि आप एक बंदे के साथ थोड़ी हो, आपके साथ हजारों बंदे, आपको हजारों बंदों का जवाब देना पड़ता है ना, तो आप इतना। हाँ जी बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से, इसलिए किसी का नंबर भी सेव नहीं करता, जिसका फोन आ गया उठा लो बस। हाँ जी, हाँ जी, तो आपकी भी क्या गलती, आप भी सेवा कर रहे हो, वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप, क्योंकि आप लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हो, कि अननोन पर्सन के लिए भी आप ना इतना अच्छी तरह से समझाते हो, ऐसे नहीं ऐसा है। कल बॉम्बे से ना दीदी का कॉल आया, उनसे बताया उनसे किसने 28,000 रुपए लिए थे 2019 में यात्रा कराने के। मैं दीदी किस बात के, बोला परमिट बनाया भैया वहाँ पे ले गया साथ में, तो 28,000 रुपए लिए। मैं दीदी 6,000 रुपए में यात्रा कराती है, भैया आप किस बार आपके साथ चलूंगी। तो एक्चुअली मेरा पर्पस यही है, लोग बेचारे ठगे ना, ताकि ऐसा ना हो कि लोग ये सोचे कि बाबा अमरनाथ की यात्रा में इतना पैसा लगता है, जाना ही बंद कर दे। मिनिमम से मिनिमम खर्चे में यात्रा हो जाए ना, वही ज्यादा अच्छा रहता है, और हमारा मकसद भी ये रहता है। मैं तो सर ये कह रहा हूँ, उस लेडीज पे क्या बीतती होगी जिसके 28,000 का चुना लग गया बेचारे का, वो क्या सोच रही होगी? उसको पता ही नहीं था, जब उसको वीडियो सुनी जब उसको पता लगा, नहीं तो उसके लिए तो 28,000 थे, वो कह रही 28,000 में यात्रा होती है, सबको पता रही थी 28,000 में यात्रा होती है। कल जब बात हुई तो कह रही भैया इतने कम, बोला इस बार मैं आपके साथ चलूंगी, बोला मैं चलो दीदी, फिर उनका कल परमिट वगैरह बनवाया, तो बेचारी कह रही। तो लोग गलत भी करते, देखो देखो बाबा, अगर आप मेहनत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, किसी को ट्रांसपोर्ट दे रहे हो, सर्विस ले रहे हो, आटे में नमक चल जाता है, पर गरीब आदमी को, यात्री को, अभी जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले सरदार जी है ना, उनको जी बुकिंग वगैरह आ रही है, बोला भाई जी यात्रियों की क्या बुकिंग लेनी, बुकिंग तो हनीमून वगैरह की ली जाती है जो घूमने आते हैं, यात्री बेचारा पैसा खर्चने थोड़ी आता है, बोला यात्री तो दर्शन करने आ रहा है, हमारे खुद को इन बुकिंग में इतना बसता ही नहीं, पर आपके थ्रू बुकिंग आ रही है तो हम ले ले रहे हैं, बाकी हमारे तो बोला 15,000 के होटल और जो हनीमून पे बंदा आ रहा है वो लाखों रुपए उड़ा के जाता है। हाँ जी, तो हमें तो वो बुकिंग लेने में बजाता है, फिर भी सेवा वाला काम है। लेकिन कई लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से भी वैसे भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी कोई मेहनत है, आपने बहुत काम किया, आप यात्री से 500,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, पर ये थोड़ी यार 20,000 रुपए की यात्री से एक्स्ट्रा ले लोगे तो वो पता है सर, जैसे मान लो किसी के साथ कोई नजायज करता है, वो परमात्मा बैठा है ऊपर, बोले बाबा उसको कलयुग कर देगा। भाई मेरे कलयुग है, इसमें थोड़ा हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जो अभी मैं आपको अभी कुछ बोल दूं तो आपको दुख तो अभी होगा ना, भगवान तो उसका फल पक्का देंगे, पर हम भी थोड़ा एक्टिव होंगे, जागरूकता फैलाएंगे। अभी हमारा ये एक यात्री का फोन आया, बोला भैया पैसे नहीं है, मैं कोई बात नहीं आप चलना, तो भैया बोला मुझे बस में सीट पीछे दोगे, अरे मैं कहा तुझे कुछ नहीं करना है, तूने कुछ नहीं बोलना है किसी को, तेरी सीट भी सब बुक हो जाएंगी अपने आप, तुझे बताने की जरूरत भी नहीं कि तू, तेरे पास पैसे नहीं है या तेरा पैसा हम दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसे हुई बात है ना भैया, थोड़ा जागरूक होना पड़ता है और उन चीजों को करना पड़ता है जब ही आगे समझते हैं। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी ट्रैवलर्स वाले हैं या जो ग्रुप लेके जाते हैं, है ना, उनसे बढ़िया तो वो है जो 6-7 हज़ार रुपये में पूरा पैकेज देते हैं कि ये यहाँ जाएंगे, माता वैष्णो देवी जाएंगे, चमुंडा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, 6,000 रुपया, वो फिर भी ठीक है, पर ये जो हजारों वाले ना, 20,000, 25,000, 24,000 वाले ना, ये बड़े खतरनाक है। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा यात्रियों को काट लेते हैं बेचारों को ना, तो कोई बात नहीं, चलो लगता रहता है। एक तो सर आप यहाँ पे बैठ के ना, आप हमारे देश के कोने कोने से बात करते हो बंदों का, अलग अलग पर्सन मिलते हैं आपको, एक से एक बंदा मिलता है ना सर। हाँ, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, वीडियो सुनता हूँ, बिहार से फोन आया था, बोला एक थू दो थू, मैं कहा दो थू, तीन थू है तो भेजे क्या, मैं कहा भेज। और एक सर आपकी रिकॉर्डिंग सुनी मैंने, वो कह रहा मेरी बात सुनो, मेरी बात आपने लास्ट में उसको कह ही दिया था, कह रहा आपके वहाँ पे को बोली है क्या, लैंग्वेज है क्या, जो गुजरात में है, बोला कह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, पता क्या सर, मेरी दो बातें थी आपसे, एक तो सर वैसे तो काफी भीड़ देख ली मैंने आपकी, एक नहीं काफी सारी देख ली, और तकरीबन ग्रुप में भी ज्वाइन हूँ मैं, और आपका नंबर भी है मेरे पास पर्सनल, जो वीडियो डालते हो वो भी देखता हूँ मैं। पता क्या सर, एक तो मेरे को ये पूछना था कि एक अकेले पर्सन का कितना खर्च हो जाएगा मिनिमम करवाऊँ, मतलब अगर बिल्कुल ही पैसे कम है तो।
हाँ जी हाँ जी, थोड़ा बजट करके। आप बोले ना, आपका बेटा भी जा रहा था, वही है ना आप 13? हाँ जी हाँ जी। और बेटे की सुन लो सर, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने वो लड़का ना काफी देर से जिद कर रहा था जाने के लिए सर, काफी मतलब कि जब से उसको पता लगा ना भी हम वहाँ पे अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, 2 साल से तो हम जा नहीं सके लॉकडाउन की वजह से, बट उसको इस बार ऐसा पता लगा कि अमरनाथ जा रहा है, वो उसने जिद कर ली कि मुझे भी जाना मुझे भी जाना मुझे बता रहे थे आप। ठीक है हाँ जी, तो मैंने स्पेशल आपको फोन भी किया तो, बट आपका नंबर स्विच ऑफ था, मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दी। तो आपने जब वो रिकॉर्डिंग मुझे सेंड की ना सर, कि आप अपने लड़के को ये रिकॉर्डिंग सुना देना, वो सच में कह रहा सर, उसने जब से आपकी रिकॉर्डिंग सुनी ना, उस लड़के ने एक बार भी मुझे ये नहीं बोला मैं अमरनाथ जाऊंगा, बट ये कह रहा लड़का, वो कह रहा अगले साल मैं 13 साल को जाऊंगा और मैं जाऊंगा, अगले साल मैं 13 साल को अगली बार जाऊंगा। और आप कह रहे थे उसको मैं लेके जाऊंगा लड़के को, उसने बोला अंकल जी को ना कह रहा मेरी तरफ से थैंक यू कहना। और उसने अब पता क्या किया उसके बदले, उसने एक लिस्ट बना ली, दोनों बहन भाइयों ने कह रहा मैं लिस्ट बना ली और कह रहा मैं ये मेरे लिए सामान लेके आना अमरनाथ यात्रा पे सबकी बार। बहुत बहुत बच्चों में ये जोश होना चाहिए, अगली बार पक्का लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी, बट सर ना सच बताऊ ना, मैं मेरे कहने से वो बिल्कुल नहीं मानना, अपनी मम्मी के कहने से नहीं मानना। ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग सुनने थे, उस बच्चे ने माँ कसम करा एक बार भी मुझे ये नहीं बोला कि मैं जाऊंगा, उसने बोला मैं अगले साल 13 साल का जाऊंगा और कह रहा आपके साथ जाऊंगा अंकल के साथ जाऊंगा। चलो पक्का लेके चलेंगे, बच्चे को दर्शन करा के लाएंगे, कृपया बोले बाबा जी। अब मैंने आपको मिनिमम खर्चा बताया था, मिनिमम ना जैसे जहाँ से भी आप आएंगे वहाँ से तो आप ट्रेन में स्लीपर में जर्नल में जैसे यमुनानगर से सर, मैं यमुनानगर से हूं, तो आप उसके बाद पहुंचेंगे जम्मू। हाँ जी सर। ठीक है, जम्मू में दो ऑप्शन है आपके पास, सबसे कम खर्चा होता है सरकारी बस का, जो कि आज की इसमें 485 रुपए का टिकट है जम्मू से। ठीक है सर, जिसमें कि नॉर्मल लोग नहीं जाते, साधु संत जाते हैं, क्योंकि इतना 400। और जो दूसरी बसें हैं जो भगवती नगर चलती हैं, उनका 600-700 रुपए से स्टार्ट होता है, जो गवर्नमेंट रेट इस बार आएगा। हाँ जी, है ना, जो ट्रैफिक वाले हैं वो हमारी कल बस वाले से बात होती है, कह रहे भैया हमारी बसें उठा लेते हैं, क्योंकि हर हर ट्रांसपोर्टर को वहाँ पे 2-3 दिन बसें लगानी पड़ती है, भगवती नगर में 2-3 दिन बसें लगानी पड़ती है, जो रेट डिसाइड करते हैं यात्रियों से वही रेट दिया जाता है, तो 600-700 रुपया वो मान लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें से आप 400 वाला चुन लीजिए चाहे 600 वाला, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक है सर, आप पहुंच जाएंगे पहलगांव। हाँ जी, पहलगांव में जो टेंट लगे होते हैं, तो टेंट में भी देखो रात, वैसे तो यात्री कहते हैं कि अच्छे टेंट होने चाहिए, ये होने चाहिए, कई होते हैं ना फैमिली के हिसाब से कि बहुत चाहिए, बाकी आपको अभी जो पहलगांव में रेट है वो टेंट का 300 रुपए रेट है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को पैसा बचाना है, थोड़ी दिक्कत है, तो भंडारे में जाके भी रात काट सकते हैं, भंडारे वाले भी सुला देते हैं अपने पास। हाँ जी हाँ जी, लेकिन भंडारे वालों की समस्या ये रहती है कि टेंट वाले फिर उनसे लड़ते हैं कि सारे यात्री आप सुला लोगे तो फिर हमारे पास फोन आएगा, हमारी रोजी रोटी है, तो भंडारे का इस्तेमाल तो वही करे यात्री बेचारा जिसके पास बिल्कुल ही पैसे ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और टेंट वाले से भी अगर बात करेंगे तो वो भी कम कर लेते हैं, ऐसे नहीं होते टेंट वाले भी। हाँ जी हाँ जी, 200-250-300 ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप बाहर आएंगे। हाँ जी, तो बाहर से 120 या 150 रुपए पर गाड़ी के लगेंगे। हाँ जी, कहाँ के? चंद्रवाड़ी के। हाँ जी हाँ जी, तो अगर मैं मीडियम भी लेके चलूँ तो 600 रुपए बस का हो गया और 300 रुपए टेंट का हो गया, 900 और 150 रुपए, ये 1000 रुपए मान लो आप, 1000 रुपए खर्चा हो गया आपका। हाँ जी सर, आपको पिट्ठू करना नहीं है, आप एक बैग पीठ पे रखिए, छोटा मोटा सामान अपना लेके जाइए उसमें। हाँ जी हाँ जी, ठीक है साथ में। उसके बाद आप रुकेंगे शेषनाग जी में, शेषनाग जी में 300 रुपए का टेंट और कर लीजिए, 1300 रुपए हो गए। फिर आप टंगस्टन में मत रुकिए, आप ना सुबह जल्दी निकलिए शेषनाग से, सीधा बाबा जी गुफा पे पहुंच जाइए। ठीक है सर, तो बाबा जी गुफा पे भी आपको जो टेंट है, जिनको टेंट बोलते हैं, जो टेंट पर्टिकुलर लगे होते हैं, रेट तो 300-350 होता है, लेकिन अगर आपको पैसा बचाना है तो कुछ लोगों ने दुकानें खोली होती है, दुकानों के पीछे ही 5 से 6 बिस्तर किए होते हैं। हाँ जी, उनके पास भी रुक सकते हो, पर उनके यहाँ थोड़ा वॉशरूम वगैरह की दिक्कत होती है, जो हाँ पर्टिकुलर टेंट लगाते हैं जैसे हमारे रफीक भैया हैं, तो उनके 10-12 टेंट, तो वो वॉशरूम भी बनाना, 2 नहाने के लिए 2 फ्रेश होने के लिए बनाते हैं अपने, लेकिन जो दुकान वाले होते हैं वो जैसे 10 दुकान वालों ने एक वॉशरूम बना लिया कहीं पे टेयरिंग में, तो उसमें ये दिक्कत आती है, पर उसमें वो 100 रुपए में भी सुला देते हैं रात को। हाँ जी, टेंट वाला आपसे 300, पर ये है कि किसी के पास अगर पैसे कम हो और मेरी वीडियो सुन रहा हो तो गुफा पे रफीक भैया हैं उनके पास चला जाए, पर मुझे बता के जाए कि भैया मेरे पास पैसे कम है, तो मैं उनको फोन कर दूंगा, तो वहां मैं उनको फ्री में भी स्टे करा दूंगा, किसी भाई के पास पैसे की दिक्कत हो तो। ठीक है ठीक है सर, तो आप ये मान के चलिए 300 रुपए गुफा पे मान दीजिए आप। ठीक है, 1300 रुपए हो गए आपके। हाँ जी, 1300 या 1600 हो गए। हाँ जी, बस इसके अलावा प्रसाद वगैरह जो भी आप लेंगे, नहाएंगे धोने की इच्छा होगी तो वहाँ पे ठंडे पानी से बना सकते हैं, गर्म से भी। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, जैसे आप नीचे आएंगे तो बालटाल में भी यही ऑप्शन है आपके पास। अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे बालटाल से तो आपको कुछ बसें गवर्नमेंट की भी या जो होती है प्राइवेट बसें वो भी मिल जाएंगी, जो आपको 300-200 में आपको श्रीनगर छोड़ देंगे। और शेयरिंग गाड़ी लेंगे तो शेयरिंग गाड़ी के रेट में काफी फ्लक्चुएशन होता है,
शेयरिंग गाड़ी मिनिमम 400 रुपए और मैक्सिमम 800 रुपए तक भी आपको श्रीनगर छोड़ेगी, क्योंकि वो भीड़ देख के अपने रेट अप डाउन करते हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं तो जाएंगे नहीं, खड़े रहेंगे। हाँ जी, आप किससे कंप्लेन करोगे, पुलिस से करोगे, आर्मी से करोगे, जाएंगे नहीं, क्या कर लोगे आप? ठीक 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 है। तो ये होता है उनका, तो आपका 2000 रुपए आसपास हो गया और फिर वहां से दोबारा। हाँ, श्रीनगर से एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो बनिहाल ट्रेन जाती है श्रीनगर से, लोकल ट्रेन, उसमें ट्रेवल करने, ये तो श्रीनगर से गवर्नमेंट बस चलती है वही सेम जम्मू की, आप उसमें चले जाए तो आपकी 2000-2500 के बीच में आराम से यात्रा हो सकती है। और अगर आप खुला भी खर्चा करेंगे तो 3000 से ऊपर खर्चा नहीं बैठता है। अगर आप पिट्ठू करते हैं तो जाके 4000-4500 रुपए, जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारी 4000-4500 रुपए में यात्रा होती है। ठीक ठीक ठीक। क्या सर, जैसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, पहले मैं सोच रहा था केरला जाने के लिए, ठीक है, जैसे आपके वीडियो दिखे आप जब तक लेके जाते हो, ठीक है, और एक लेडीज की आवाज भी सुनी थी, वो कह रही मैं गर्मी से केरला जा रही, तो पहले तो मैं सोच रहा था केरला जाऊंगा, उससे पहले तो मेरा प्लान था जाने का, बट हुआ नहीं। मैंने पता क्या किया सर, अपने यार दोस्तों फ्रेंड सर्कल से ना कईयों को पूछा मैंने, 5-6 जनों को, बट उन्होंने मना कर दिया, किसी का कॉस्टली ज्यादा, कोई कहता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कोई कहता है उसकी लंबाई बहुत है, यानी डर गए थे। हाँ जी हाँ जी, तो वो लोगों को ये देखना चाहिए कि हम जिसके दरबार पे जा रहे हैं ना, वो सब बहुत बड़ा वो लेवल है, जो वो लेवल आ गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, सबको ये देखना चाहिए, हम परमात्मा के दरबार पे जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी सोच रख के जाने चाहिए। अगर हमारी नेगेटिव सोच होगी तो हम नेगेटिव होगी, हमारे साथ पॉजिटिव सोच रख के जाने चाहिए, परमात्मा के दरबार पे जा रहे हम, ठीक है। अब बट ये नहीं मानोगे सर आप, जिन जिन लड़कों को मैंने बोला ना, उन लड़कों ने ना सिर्फ एक को छोड़ के सभी के पास बनवा दिया मैंने, और सबका मेडिकल करा दिया अपने साथ जाके लेके। 3 दिन लगे सर। डेट का करवाया आपने? मेरा तो सर 16 जुलाई को, और 16 जुलाई को मैंने उनको दबा दिया। कितने बंदे हो आप? हम 5 बंदे हैं। कोई बात नहीं, आप कर लो, हम भी प्लान कर रहे हैं, काफी यात्रियों का फोन आया था ना, तो हो सकता है हम सेम रेट में आपको उधमपुर से बस की सर्विस करा देंगे ना, और वही बस आपको फिर वापस लेके आ जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर खत्म हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सामान होगा बस में छोड़ भी सकते हैं आप ना। पर अभी देख लो, कम से कम 5-6-10 दिन के बाद, क्योंकि पहले हम ये प्लानिंग करने के बाद आपने सुबेरे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग डाल ली, वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान थ्री, वो तो उनके लिए जो पड़ता जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, अभी तो आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, जल्दी नहीं अब तो सर, क्योंकि यात्री ये कह रहे हैं कि बोला जो आपके साथ जा रहे हैं आप उन्हीं को देख रहे हो, मैं कहा ऐसा पर ये कि काम बहुत ज्यादा हो जाता है, एक भी यात्री को करना, फिर कोऑर्डिनेट करना, फिर हर रोज की बसें बुक करना, फिर सब यात्रियों को एक जैसा प्लान जो फॉलो कर सकते हैं वही जाएंगे। अब हमें यहाँ हमारा यहाँ पे भी एक ही प्लान था, फिर किसी मैडम ने कहा तो दूसरा बन गया, फिर किसी भाई ने कहा तीसरा, अब 3-4 लोग कह रहे लद्दाख जाना है, कोई कह रहा है शिवपुरी जाना है, मैं कहा भैया माफ करो, 5-6 प्लान का मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, 3 प्लान कर पाएगा। आपकी भी हिम्मत है सर, मतलब कि पर्सनली कह रहा हूं आपको सर, आपकी बहुत बहुत हिम्मत है सर कि आप इतने लोगों को मैनेज भी कर रहे और गाइडलाइन भी दे रहे, उनको कॉल भी कर रहे और मैसेज का जवाब भी दे रहे, ठीक है, आपकी हिम्मत है सर, सच बताऊं रात को सोचो तुमको नींद नहीं आती, ये टेंशन रहती है, व्हाट्सएप पे बेचारा कोई परेशान ना हो रहा हो। और उस दिन क्या सी मेरे को बहुत आ रही सर, जब आपने बोला ना घर वाले निकाल दिया, घर वाले छोड़ के चले गए, नहीं घर में मेरे मैं वीडियो कॉल करो तो मैं घर से दूर बैठा हूँ लेंटर के ऊपर, क्योंकि घर में पूरा दिन ये बातें करूँ पागल हो जाएंगे सुन के मेरी बातें। मेरे को बहुत बुरी फील हुई और मेरे को सी भी, मैंने कहा देखो सर वहाँ कितनी मेहनत कर रहे, फैमिली गुस्सा हो जाती है, फैमिली काम कर रही है, घर में आवाज भी होती है ना, अभी टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, तो मैं घर से बहुत दूर आके एक नया लेंटर सा पड़ा हूँ, वहीं बैठ के अपना कुर्सी टेबल लगा रखा है, मैं वहीं बैठ के अपनी बात करता रहता हूँ, वहीं से करता रहता हूँ, नहीं तो नहीं। अगर मैं पूरे दिन घर में जय बोले की यात्रा ये, तो वो पागल हो जाएंगे सुन सुन के कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट है ये। हाँ जी हाँ जी, वो रोज ही, और पता है कम पूरा दिन एक जैसी बात सुननी है, बस टेम्पो ट्रैवल टेंट बस पिट्ठू पर ये यात्रा परमिट बस, तो इसलिए वाइफ ने कहा तो कि मतलब तुम क्या करते रहते हो, मैं कोई बात नहीं परेशान मत, तो मैं कुर्सी पर टेबल उठा के नहीं तो ऐसे ही बताऊँ ना, आप जितनी मेहनत कर रहे ना परमात्मा आपको फल भी देगा, और परमात्मा आपने इतना प्यार दे रखा है, देखो आज के टाइम में किसके पास टाइम है कि किसी को फोन करे, है ना, बिल्कुल फोन नहीं करता, और आप फोन करके मेरे लिए 4 शब्द प्यार से मन से बोल रहे हो ना, इससे बड़ा फल कोई नहीं है, प्यार से तो बहुत ही होता है। और बताता हूँ ऐसे ऐसे यात्री बेचारे जो कहते हैं बाबा जब आपको जरूरत हो आप एक बार कॉल करना, किसी चीज का बताया था मैंने कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी पिछली यात्रा में हमारे साथ गए होंगे ना काफी यात्री, उनके पास अकाउंट नंबर है सबके पास, हाँ जी पर्सनल अकाउंट नंबर, उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए, बताया भी नहीं मुझे, डर ये लगता है ना, इसलिए कश्मीर का मामला है, कश्मीर में भी मैंने कहीं सभी लोगों को नंबर देके कोई ऐसा आतंकवादी संगठन या कोई पैसे ट्रांसफर ना करते कि मैं ही फंस जाऊं। जब आप अच्छा करते हो तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें से अभी भी 6 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने बताया कि बाबा जी हमने दिए हैं, और यात्रा में कोई यात्री ऐसा हो जिसके पास पैसे ना हो आप उसकी यात्रा में लगा देना बोला।
तो प्यार बहुत है, बाबा जी का आशीर्वाद बहुत है, जब भी काम हो रहे हैं बाबा जी की पूरी कृपा है, पूरी कृपा है। मैं साथ रहा हूँ, मेरी तबियत खराब हुई और जब भी मुझे कोल्ड और फीवर होता था कम से कम 3-4 दिन में मतलब ऐसी हालत रहती थी, इस बार एक बार ही में रिकवर हो गया, सिर्फ भगवान की ये लोगों की दुआ थी। मैंने सिर्फ एक दिन अपना फोन स्विच ऑफ रखा, दवाई ली और अगले दिन आके दोबारा अपनी कॉलिंग और ये सब चालू कर दिया, तो प्रभु कृपा ही है। ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी, तो बता देंगे हम, वीडियो बनाएंगे ना तो आप बता देना कौन सी जेट में कितने बंदे हैं, तो रीजनेबल रेट में गाड़ियां हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है सर, मैं जाने से पहले 2-3 दिन पहले आपको कॉल कर दूंगा, मैसेज दो तीन पहले नहीं, मैं वीडियो डालता रहूंगा, वीडियो देखते रहना, जब बता देना आपकी बस बुक करनी है तो। ठीक है ये मानिया, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।